सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज शरद एंड यू आर वॉचिंग जाट.com. सो भाई XUV 3XO अभी आप यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब में 3XO भर भर के आपका सब वेरियंट अभी भर भर के है. सो गाइज मेरे पीछे आप देख सकते हो, आपको सामने का हुलिया अलॉय व्हील देख के पता चल गया होगा ये आपका AX5 वेरियंट होगा शायद, ठीक है. बट ये आपका AX5 वेरियंट नहीं है, ये आपका AX5 L वेरिएंट है. अभी L वेरिएंट आप लोगों को पता है सिर्फ दो वेरिएंट्स पे अभी अवेलेबल आपको मिल जाएगा. एक है आपका AX5 और आपका AX7 L वेरिएंट, जो मतलब AX7 वेरिएंट पे आपको मिलता है. अभी जो L वेरिएंट है आप लोगों को पता है L वेरिएंट पे आपको ADAS मिल जाता है, ठीक है. सो ये जो AX5 L वेरिएंट है इसमें ADAS को छोड़ के भी इसमें और कुछ थोड़ा फीचर्स आपको ज़्यादा मिलता है. सो उसके लिए ये वीडियो आप पूरा देखिए. अगर आपका AX5 L का बजट है देन आप ज़रूर इस वेरिएंट पे जा सकते हो. ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ आपको एक इंजन ऑप्शन में अवेलेबल मिलेगा गाइज, वो है आपका 1.2 लीटर का जो आपका TGDI इंजन है. इसमें ये पर्टिकुलर AX5L में कोई भी आपको डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा. इसमें आपको दो ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक है आपका मैनुअल 6 स्पीड का मैनुअल और आपका 6 स्पीड का AT ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगा. अभी मैं इसका एक शोरूम प्राइस अगर बताऊँ, इसका एक शोरूम प्राइस है आपका, अगर आप मैनुअल के साथ जाएंगे मैनुअल का प्राइस है अराउंड 12 लाख, ठीक है. और अगर आप AT के साथ जाएंगे जो कि ये पर्टिकुलर वेरियंट है, इसका प्राइस है आपका 13.49 लाख, मतलब तकरीबन आपका मैनुअल और ऑटोमेटिक पे 1.5 लाख का आपका डिफरेंस है. सो ऑन रोड तो आपके शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा. सो आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा आपको इस गाड़ी में क्या क्या मिल जाता है, वेदर यू शुड गो फॉर दिस कार और नॉट, वेदर यू शुड गो फॉर दिस वेरियंट और नॉट. सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री. सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए. सो गाइस अभी वीडियो शुरू कर. सो गाइज ये है मेरे सामने दी AX5L वेरिएंट. अभी इसका जो सामने का जो हुलिया है एकदम आपका AX5 के साथ मिलता जुलता है, बट दो डिफरेंस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा. एक है कि आपका जो AX5L वेरिएंट है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जो फ्रंट कैमरा यहाँ पर है. कोई पार्किंग सेंसर आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा, बट 360 कैमरा है. ADAS का रेडार आप देख सकते हो यहाँ पर है. एंड सामने तो ये भाई नॉर्मल जो 3XO का आपको ग्रिल मिलता है, 6 स्लॉट का ग्रिल है, यहाँ पर महिंद्रा का लोगो है. और जो कैमरा है, कैमरा आप देख सकते हो ADAS का कैमरा वहाँ पर आपको मिल जाएगा. अभी जो इसका हेडलाइट यूनिट है, हेडलाइट यूनिट आपको यहाँ पर बाईफंक्शनल LED के साथ ही मिलता है, प्रोजेक्टर लाइट्स है. DRL आप देख सकते हो, इंडिकेटर का भी काम करता है. इस वेरिएंट पे भी आपको कोई फॉग लाइट्स नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको AX7 वेरिएंट पे जाना पड़ेगा. बट ये एज एन एक्सेसरी आप लगा सकते हो एंड ये आपको फुल ग्लॉस ब्लैक हाउसिंग में मिल जाएगा. एंड DRL जल रहा है आप देख सकते हो, अभी तो भाई दिन का टाइम है. मैं एक बार इसको ब्राइटनेस कम करके आपको दिखा देता हूँ. सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो DRL जल रहा है. नाउ कमिंग टू द साइड ऑफ द कार गाइस, AX5L वेरिएंट का साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है. सो व्हील्स तो भाई आपको AX5 का जैसा ही मिलता है, 16 इंची का टायर है. यहाँ पर सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है. सो AX5 का जो प्रोफाइल है यहाँ पर भी आपको सेम मिलता है. व्हील क्लैडिंग ऑब्वियसली आपको मिलेगा. इसका जो टर्न इंडिकेटर्स है वो RVM पे मिलता है, जो आपका ग्लॉस ब्लैक कलर पे है. 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा. इंडिया आपका ऑटो फोल्डेबल मिरर्स है. बेल्ट लाइन आपको मैट ब्लैक पे मिलता है. बी पिलर आपको मैट ब्लैक पे मिलता है. ऊपर आपको ये ग्लॉस ब्लैक में रूफ रेल डिज़ाइन दिया गया है. एंड यहाँ पर आपको सिर्फ एक सिंगल पेन सनरूफ ही मिलेगा, स्काई रूफ आपको AX5L पे नहीं मिलेगा. पीछे आपको एक शार्कफिन एंटेना नहीं मिलता है गाइस, नॉर्मल सा एंटेना है. नाउ कमिंग टू द रियर टायर्स गाइस, रियर टायर का भी प्रोफाइल एकदम हूबहू सेम है फ्रंट टायर के साथ. एंड पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है. सो ये जो 3XO है, 3XO का बेस वेरिएंट है आपको, मतलब चारों व्हील पे डिस्क ब्रेक मिल जाता है. अभी इसका जो पीछे का जो हुलिया है आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाता है. सो ये पार्ट आपका फुल कनेक्टेड आपको मिल जाएगा. आपका ब्रेक लाइट भाई हैलोजन में मिलता है, रिवर्स लाइट हैलोजन है. बट आपका पार्किंग लाइट जो है और टर्न इंडिकेटर्स आपको LED में मिल जाएगा. पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर मिलता है गाइस, एक यहाँ पर है, एक आपको इस तरफ दिया गया है. रिवर्स पार्किंग कैमरा इज ओवर हियर. 3XO का बैजिंग है, महिंद्रा का लोगो है. पीछे आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और वॉशर भी आपको मिल जाता है. एंड नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है. इसका बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर है. सो यहाँ पर जब देखेंगे 60-40 स्प्लिट आपको मिल जाता है. 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपका AX5 वेरिएंट से शुरू हो जाता है. सो यहाँ पर भी आपको AX5L में भी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही मिलता है. बट कोई बूट लैंप आपको नहीं मिलेगा गाइस. यहाँ पर आपको हुक मिलता है, यहाँ पर भी आपको एक हुक दिया गया है. एंड ओवरऑल लोडिंग लिफ्ट थोड़ा सा है. सो वो तो भाई मतलब हर 3XO का वेरिएंट पे भी है. सो दैट इज देयर. अराउंड 294-295 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है. सो बूट स्पेस भाई काफ़ी ठीक ठाक ही, आपको कोई दिक्कत तो होगा नहीं. सो अभी चलते हैं गाइस रियर सीट पे. सो रियर डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे गाइस, सिर्फ यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिलता है, यहाँ पर आपको कोई भी सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा. सैटिन पे डोर हैंडल है, पावर विंडो का स्विच है, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट है. यहाँ पर आपको स्पीकर का प्लेसमेंट दिया गया है, बॉटल होल्डर है. एंड यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है फ़ोन ये सब रखने के लिए. पीछे आप देख सकते हो आपको फैब्रिक सीट्स मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. सो यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट्स दिया गया है, काफ़ी अच्छा सीट है, क्वालिटी वाइज नो कंप्लेंट्स. एंड बीच में आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो. सो चलिए भाई अभी बैठ जाते हैं अंदर एंड
टॉकिंग ऑफ द लेग रूम गाइस, तो लेग रूम आप देख सकते हो, ये जो सीट है दिस इज पुश्ड ऑल द वे बैक एंड मेरा मिनिमम लेग रूम इतना सा है। अंडर थाई सपोर्ट इज गुड, नो कंप्लेंट्स, अंडर थाई सपोर्ट इन माय ओपिनियन नेक्सॉन से भी बेटर है, सो दैट इज देयर। बीच में आपको देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल एसी वेंट्स, यूएसबी टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो ओवरऑल यहाँ पर आपको एक स्पेस भी मिल जाता है फोन रखने के लिए, सो इट्स प्रीटी प्रैक्टिकल ओवर हियर। कमिंग टू द विड्थ ऑफ द कार गाइस, दो बंदे के लिए ठीक है, तीन बंदे भी बैठ सकते हैं शॉर्ट जर्नीज के लिए, बट दो बंदे के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हैलोजन में रीडिंग लैंप है, यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है हुक के साथ, एंड यहाँ पर भी आपको सेम ट्रीटमेंट ही दिया गया है। अभी बात करते हैं गाइस हेडरूम के बारे में, सो हेडरूम इज़ रियली गुड, हेडरूम में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं हो रहा है, एंड मैं अगर ऐसे रिक्लाइन करके बैठूँ देन भी भाई पूरा बहुत ही कंफर्टेबल है एट द बैक। सो चलिए गाइस अभी चलते हैं सामने, सो सामने आपको क्या मिल जाता है इस गाड़ी में, इस वेरिएंट पे मैं सामने जाके अभी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस फ्रंट डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे गाइस, अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको फुल डुअल इंटीरियर मिलता है बेज और ब्लैक कलर में, सॉफ्ट टच यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑटो अप और ऑटो डाउन का आपको फंक्शन मिल जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एज यू कैन सी ऑटो डाउन एंड ऑटो अप। यहाँ पर ORVM का कंट्रोल्स है, बाकी तीनों पावर विंडो आपका नॉर्मल है गाइस, ये आपका सेंट्रल लॉकिंग का बटन है एंड ये आपका विंडो लॉक का स्विच है। यहाँ पर आपको मिलेगा स्पीकर का प्लेसमेंट, एक हाफ लीटर और एक लीटर का बॉटल होल्डर एंड यहाँ पर आपका फोन रखने का जगह है। सीट्स आपको यहाँ पर भाई फैब्रिक सीट से मिलता है बट साइड पोस्टिंग गजब का है। डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सीट हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिलता है गाइस, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हिल डिसेंट कंट्रोल है, ये ऑटोमेटिक है इसलिए आपको यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप का बटन है एंड यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस दिया गया है। सो अभी बैठ जाते हैं गाइस अंदर एंड इंटीरियर एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो दिस इज द इंटीरियर गाइस, AX5L वेरिएंट। सो यहाँ पर जो AX5 वेरिएंट है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर इंटीरियर मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो डुअल फिनिश आपको यहाँ पर मिलता है, ग्लास ब्लैक पे यहाँ पर थोड़ा सा टच है। ग्लव बॉक्स अगर हम लोग देखेंगे गाइस, ग्लव बॉक्स का स्पेस बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो कितना डीप ग्लव बॉक्स है। यहाँ पर भी आपको वो सेम एड्रेनॉक्स का सिस्टम मिल जाता है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो टच स्क्रीन भाई काफ़ी गजब का है। सो यहाँ पर एसी का भी कंट्रोल्स आपको दिया गया है, सो ये अगर आप क्लिक करेंगे आपको डुअल जोन एसी मिल जाता है। सो आप देख सकते हो AX5 वेरिएंट्स आपको डुअल जोन एसी मिलता है, यहाँ पर बहुत सारा एसी का कंट्रोल्स है, ब्लोअर कंट्रोल है, आप यहाँ से ब्लोअर कम भी कर सकते हो, सो दैट इज़ टोटली अपॉन यू, आपके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सेटिंग्स आपका यहाँ पर है, सो सेटिंग्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो या वेरी वेरी गुड सिस्टम, कोई भी आपको इसमें समस्या नहीं होगा एंड इसका ब्राइटनेस भी काफ़ी है क्योंकि अभी पूरा मतलब एकदम सनी वेदर है एंड यहाँ पर ब्राइटनेस भी काफ़ी मुझे अच्छा ही मिल रहा है, सो दैट इज़ गुड। यहाँ पर कंट्रोल्स है फॉर योर इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल एसी वेंट्स है, हैजर लाइट का स्विच है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है एंड यहाँ पर आपका डिफॉगर का स्विच है। डुअल जोन एसी आप देख सकते हो, ये आपका एसी का कंट्रोल्स है एंड ये आपका ऑटो एसी ऑन करने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ब्लोअर बढ़ गया, सो या यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हियर एंड इसको आप ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से, एक मिनट ब्लोअर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो या सो ब्लोअर यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर। सो एनीवे ये कुछ एसी का कंट्रोल्स, यहाँ पर एक यूएसबी टाइप ए का पोर्ट है नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर, सो दैट इज़ देयर। वायरलेस चार्जिंग पैड है, ये आपका AT ट्रांसमिशन है, मैनुअल में भी अवेलेबल है। इसका रिवर्स गियर भी एक बार देख लेते हैं गाइस, सो ये आपका रिवर्स गियर है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है, क्वालिटी वाइज भाई कैमरा काफ़ी अच्छा है, बट मैं अगर बोलूँ देन नेक्सॉन से थोड़ा सा कम है, मतलब नेक्सॉन का और थोड़ा बेटर है इफ़ आई एम ऑनेस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ महिंद्रा इट इज़ अ गुड कैमरा सिस्टम, कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल कप होल्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन है, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है स्पेस के साथ, ऊपर आपको यहाँ पर ऑटो डिमिंग ORVM मिल जाता है। सो ये काफ़ी अच्छा एंड ये फ्रेमलेस है गाइस, सो मेरा मुझे थोड़ा VW का याद दिला रहा है ये गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रेमलेस मिल जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सनग्लास होल्डर है, सनरूफ का कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसका अगर आप होल्ड करके रखेंगे आपका जो सनरूफ है वो ओपन हो जाएगा एंड इसको अगर आप होल्ड करके रखेंगे फिर से देन ये सनरूफ आपका क्लोज हो जाएगा। वाइजर में आपको यहाँ पर मिलेगा मिरर अलॉन्ग विद अ लाइट एंड यहाँ पर भी आपको सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता है गाइस, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है, सो दैट इज़ देयर। सभी बात करते हैं गाइस स्टीयरिंग व्हील के बारे में, सो स्टीयरिंग व्हील में जो चेंज है वो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग, मतलब ADAS का थोड़ा फीचर्स है यहाँ पर, नॉर्मल AX5 वेरिएंट पे ये आपको नहीं मिलता है एंड यहाँ पर आपको सब बटन्स मिलेगा MID के लिए एंड यहाँ पर आपका सब इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, काफ़ी प्रीमियम है एंड और एक चीज़ देखेंगे वो है ये कितना स्मूथ स्टीयरिंग आपको मिलता है, एक उंगली में घूम जाता है, सो दैट इज़ देयर। एडजस्टमेंट के बारे में अगर बात करूँ गाइस, आपको रीच और नहीं सिर्फ आपको हाइट का ही मिलता है, रीच का आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट्स का कंट्रोल्स है, ऑटो वाइपर का कंट्रोल्स यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये तो भाई आपका नॉर्मल AX5 वेरिएंट से शुरू हो जाता है। सो ये जो स्क्रीन है गाइस वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ट्रिप भी इन्फॉर्मेशन टाइम दिखा रहा है एंड इसको अगर मैं ऐसे करके प्रेस करूँ ड्राइव इन्फो, फिर आपका फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो,
या आपका नेविगेशन, ड्राइवर असिस्ट में अगर हम लोग जाएंगे, सो एडास का जो फीचर्स है भाई वो आपको यहाँ से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। सो या आप जाएंगे अगर ड्राइविंग लेआउट सेटिंग्स में अगर आप लोग जाएंगे, देन सेटिंग्स में आपको यहाँ पर ड्राइवर असिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। देन यहाँ पर देख सकते हो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, सो आपका सब यहाँ से ही कंट्रोल होगा। यहाँ पर जो टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन में कुछ कंट्रोल होता नहीं है। विजिबिलिटी भाई काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो एकदम 1700 का विजिबिलिटी आपको इस गाड़ी में मिलेगा। सो दैट इज़ रियली रियली गुड, नो प्रॉब्लम देयर। पीछे का भी विजिबिलिटी आप देख सकते हो रियली गुड, एंड साइड का भी विजिबिलिटी भाई आपको अच्छा खासा ही मिल जाता है। और एक जो चीज़ इस गाड़ी में आपको मिलता है वो है लेन वॉच कैमरा। सो अब मैं राइट का अगर इंडिकेटर दूँ देन आप देख सकते हो राइट साइड का व्यू दिखा रहा है, एंड अगर मैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूँ देन आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड का आपको दिखा रहा है, क्योंकि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है। सो गाइज ये था मेरा डिटेल्ड इंटीरियर रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2024 XUV 3XO AX5L वेरियंट। सो अगर आपको इंटीरियर रिव्यू पसंद आया, वीडियो का लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल। सो गाइज ये था मेरा डिटेल रिव्यू ऑन द ऑल न्यू XUV 3XO AX5L वेरियंट। सो प्राइस तो मैंने आपको बता दिया था गाइज इस गाड़ी के बारे में। सो तकरीबन अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेंगे ये आपका 14.5 से 15 लाख तक ये गाड़ी आ जाएगा, एंड उस प्राइस में गाइज इसमें आपको बहुत फीचर लोडेड, मतलब लोडेड फीचर्स आपको मिल जाता है। सेफ्टी में भी तो भाई आप लोगों को पता है ग्लोबल एनकैप 5 गाड़ी है ये, XUV 300 को भी मिला था, इसको भी भाई मिलेगा, कोई भी उसमें आपको मतलब शक नहीं है कि नहीं मिलेगा। सो ऑब्वियसली भाई ये गाड़ी आपके लिए है अगर आप एडास चाहते हो, टर्बो इंजन चाहते हो, बट डीजल है कि नहीं है आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये गाड़ी आपको सिर्फ मतलब TGDI पेट्रोल में ही मिलेगा। सो गाइज आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक करना मत भूलिए, विच इज द थम्स अप, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन चाओ।